तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टीचर कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, टीचर के बारे में जानेंगे। तो जितने भी लोग टीचर बनने का सपना देखते हैं, उन सब में एक चीज कॉमन होती है कि वो लोग सुकून भरी जिंदगी चाहते हैं, और टीचर आपको एक ऐसा जॉब प्रोवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं टीचर और इसका लाइफ स्टाइल। साथ ही इसमें हम लोग 5 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दूसरा है ट्रेनिंग, टीचिंग ट्रेनिंग, ठीक है, और थर्ड एंट्रेंस एग्जाम, फोर्थ अप्लाई, फिफ्थ सैलरी, ठीक है, एंड जॉब प्रोफाइल साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ज्ञान सागर। दोस्तों देखिए, जितने भी लोग टीचर बनना चाहते हैं, सबसे पहली बात कि आपको जो है रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा भारत में, ठीक है। टीचिंग रिस्पेक्ट और शांति भरा जॉब है जो आपको एक अच्छा लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे पहले स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए इस जर्नी में देखते हैं। तो टीचर बनने के लिए सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आप में जो है एक हौसला होना चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए, ठीक है। देन आप सिंपली 1 to 10th के एजुकेशन सिंपली कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इंटरमीडिएट आते हैं तो आपको यहाँ पे एक रास्ता चुनना होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस। हमारे पास अब जैसे आप इंटर कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी फैकल्टी से, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, तब आपके यहीं से टीचर बनने की संभावनाएं शुरू हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि 12th के बाद से ही आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 3 प्रकार के टीचर बनने का अवसर मिलता है लाइफ में। जनरली हम लोग बात कर लेते हैं 3 प्रकार के टीचर कौन से होते हैं। तो एक होता है 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसे हम लोग PRT टीचर बोलते हैं। एक होते हैं 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसको हम लोग TGT टीचर बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है जो 9 and above के बच्चों को पढ़ाते हैं, 9 to 12, उसको हम लोग PGT टीचर बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ये टीचर तीनों में हम कैसे बने। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 to 5 टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो 12वीं के बाद आपको जो है सिंपली 12वीं करते हैं। उसके बाद एक ट्रेनिंग कोर्स होता है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जिसे हम लोग DLED बोलते हैं, ठीक है, आपको DLED का कोर्स करना होगा। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना होगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपका CTET हो जाता है, चाहे किसी भी STATET होता है, ठीक है। ये तीनों आप क्वालिफाई करते हैं तो आप 1 to 5 टीचर के लिए एलिजिबल हैं। आगे बात कर लेते हैं तो 6 to 8 टीचर, जिसको हम लोग TGT टीचर बोलते हैं, ठीक है। अगर आप 6 से 8वीं के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करनी है किसी भी फैकल्टी से, ठीक है, जिसमें आप बनना चाहते हैं, जो आपका सब्जेक्ट फेवरेट है, ठीक है, वहाँ तक आपको ग्रेजुएशन करना है। उसके बाद आपको 2 year BEd कोर्स करना है, ठीक है। तो BEd कोर्स आप लोग कंप्लीट करते हैं ग्रेजुएशन के बाद 2 साल। उसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, CTET या STATET, ठीक है। STATET का मतलब आपके स्टेट द्वारा जो टेट लिया जाता है, ठीक है, प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो है थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको PG करना होगा ग्रेजुएशन के बाद और 2 साल। PG यानी कि MA MCOM MSc, इसमें से किसी भी फील्ड में आप किए हों, ठीक है, तो PG करना है, यानी कि MA MCOM MSc। साथ में आपको 2 साल का BEd कोर्स, ठीक है, 2 year BEd कोर्स, और उसके साथ आपको एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई करना है, जिसमें आपका CTET या STATET होता है, ठीक है। अब तीनों को जान लिए कि 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 12 के टीचर कैसे बन सकते हैं। अब हमारा आता है कि मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, चाहे PG कर लिया, और सभी टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी कर लिया, और CTET और या STATET भी क्वालिफाई कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो इसके बाद आता है दोस्तों अप्लाई। अब अप्लाई हमारा 2 फील्ड में होता है, एक होता है गवर्नमेंट फील्ड में, एक होता है प्राइवेट फील्ड में। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना होगा और आपका वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको कई सालों साल लग सकते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल एंड मोर देन 5 ईयर भी लग सकता है। लेकिन अगर आप उतना पैसा के भूखे नहीं हैं, ठीक है, आपको पढ़ाई से, एजुकेशन से प्यार है, तो आप प्राइवेट टीचर भी बन सकते हैं। एंड प्राइवेट टीचर में आपको जो है सिंपली थोड़ा वेतन कम होता है, लेकिन लाइफ स्टाइल अच्छा होता है, और इसमें आपको टाइम टू टाइम प्रत्येक स्कूल के द्वारा वैकेंसीज आती हैं, उसमें आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर बात करें प्राइवेट स्कूल में तो डायरेक्टली आपको रिज्यूम सेंड करना होता है और इंटरव्यू देना होता है, और कुछ कुछ स्कूल्स में एग्जाम भी होता है,
लेकिन गवर्नमेंट अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सब्र करना होगा, और इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसमें आपका नवोदय विद्यालय टीचर, KBS टीचर, ठीक है, और आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो टीचर होते हैं यानी कि अपने राज्य के सरकारी स्कूल के टीचर, वो भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में भीड़ कम होता है, हाइट कम होता है, कंपटीशन कम होता है। वहीं गवर्नमेंट स्कूल की बात किया जाए तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए हजारों की भीड़ होती है, हजारों नहीं लाखों की भीड़ होती है, ठीक है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बढ़ गया है। तो ये तो हो गया प्रोसेस टीचर बनने का। अब आपको प्राइवेट में जाना है या सरकारी में जाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरी राय अगर मानिएगा तो मैं बोलूँगा पहले प्राइवेट ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनने का मन है तो तैयारी करते रहिए और प्राइवेट में रहते हुए सरकारी का एग्ज़ाम दीजिए, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। अब बात आती है सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, अगर आप 1-5 के टीचर को पढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में मैं बता रहा हूँ, अगर आप 1-5 के टीचर को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपको जो है यहाँ पे ऑन एन एवरेज सैलरी गवर्नमेंट में मोर देन 30 के मिलेगा, 30,000 से अबव। वहीं अगर प्राइवेट में बात करें तो वही आसपास 20K के प्लस रहता है, ठीक है, डिपेंड करता है स्कूल पर। तो एवरेज सैलरी है 1-5 के टीचर की 30,000, वहीं हम लोग 6-8 के टीचर की एवरेज सैलरी बात करते हैं तो 40,000, और PGT टीचर की बात कर लेते हैं तो मोर देन आपका 60,000 होता है उन लोगों का PGT टीचर का, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी स्ट्रक्चर, कहाँ पे कितनी आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा रोड मैप हो गया कि आपको टीचर कैसे बनना है, क्या इसमें